गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज 2 जनवरी 2021 है। मेरा नाम आशीष शुक्ला है और मैं MSc फाइनल ईयर का एक बुक है, फर्स्ट बुक आपकी है कॉर डेटा। इस कॉर डेटा को मैं पढ़ाने वाला हूँ। कॉर डेटा में जो भी करेक्टर्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉर डेटा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, उनके एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अपन कॉर डेटा में जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। कॉर डेटा होता क्या है, ठीक है। कॉर डेटा CORDATA कॉर्ड डेटा, कॉर्ड, कॉर्ड एक वर्ड है इसके अंदर। ये कॉर्ड क्या है, कॉर्ड डेटा, कॉर्ड एक वर्ड होता है, इसको कॉर्ड प्लस एटा की इसको अलग किया जाए तो कॉर्ड आपकी दो वर्ड से मिलकर आई, एक तो नोटोकॉर्ड और एक आती है आपकी, एक तो नोटोकॉर्ड होता है और एक होता है नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये भी आपकी नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड। अब ये व्हाट इज द नोटोकॉर्ड, व्हाट इज द नर्व कॉर्ड, जब कॉर्ड डेटा की डिस्कस करते हैं अपन तो आपको माइंड में जिनको अपन कॉर्ड डेटा को वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, स्टार्टिंग में जब एनिमल की क्लासिफिकेशन करने की बात आई तो हमने स्टार्टिंग में एनिमल को क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे किया या दो तरीके से उसको क्लासिफिकेशन किया। हमने सारे एनिमल्स को, जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो टाइप से डिवाइड किया, एक तो कॉर्ड डेटा, एक तो कॉर्ड डेटा और एक नॉन कॉर्ड डेटा। वन टाइप ऑफ कॉर्ड डेटा एंड सेकंड टाइप ऑफ कॉर्ड डेटा। व्हाट डिफरेंट, व्हाट इज डिफरेंट इन कॉर्ड डेटा एंड नॉन कॉर्ड डेटा, किस डिफरेंस के आधार पे, किस बेसिस के आधार पे हमने सभी एनिमल्स को कॉर्ड डेटा और नॉन कॉर्ड डेटा के लेवल पे डिवाइड किया। इसके लिए हमने देखा कि जो नॉन कॉर्डेट एनिमल्स थे वो जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं आपके, जो आपके यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, उनको सभी को नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है, डाल दिया गया, ठीक है, इंक्लूड किया गया। यूनिसेलुलर एनिमल्स आर इंक्लूड इन नॉन कॉर्डेटा। तो क्या मल्टी सेलुलर इंक्लूड इन कॉर्डेटा, नो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड इन नॉन कॉर्डेटा, बट हायर एनिमल्स, जितने भी आपके हायर एनिमल्स आते हैं वो सभी कॉर्ड डेटा के अंदर इंक्लूड किए गए। और किस बेसिस पे अपन ने इंक्लूड किया इसको अपन देखते हैं, किस बेसिस पे हमने इनको इंक्लूड किया गया कॉर्ड डेटा को। जब कॉर्ड डेटा हम पढ़ने जा रहे हैं तो अपन जितने भी एनिमल्स हैं उसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं, कॉर्ड डेटा एंड नॉन कॉर्ड डेटा में। आपके यूनिसेलुलर जितने भी एनिमल्स आते हैं सभी नॉन कॉर्ड डेटा में आते हैं, और जितने भी आपके हायर एनिमल्स हैं वो क्या सारे आपके कॉर्डेट्स में आते हैं, नहीं, कुछ एनिमल्स आते हैं जो कॉर्डेट में आते हैं और कुछ लोअर एनिमल्स भी हैं जो कॉर्डेट में आते हैं। किस बेसिस पे हमने कॉर्डेट को बनाया, उसकी दो तरीके की चीज़ें, एक तो हमने देखा कि इन एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। व्हाट इज़ द नोटोकॉर्ड, व्हाट इज़ द नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होती है, आपकी देखा होगा आपकी बॉडी के अंदर, अपने बॉडी में बैकबोन होती है, बैकबोन के अंदर आपके जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, वर्टिब्रा जिसे कहते हैं, वर्टिब्रल जिसे कहा जाता है, उस वर्टिब्रल में जो वर्टिब्रा होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप, किस तरीके से आपके, ठीक है, वर्टिब्रा होते हैं वर्टिब्रल में, तो ये आपके सभी ह्यूमंस के अंदर, सभी बड़े एनिमल्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये वर्टिब्रा
के आधार पर हमने, इसके आधार पर हमने वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल के आधार पर हमने डिसाइड किया कि कॉर्डेट को हम, कॉर्डेट के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वर्टिब्रल के बेसिस पे हम उनको कॉर्डेट में इंक्लूड किया जाए। तो ये तो वर्टिब्रा हमने कॉर्डेट क्यों कहा, क्योंकि ये तो आपको सेगमेंट के फॉर्म में दिखाई देती है ना, सेगमेंट के फॉर्म में। ह्यूमन में भी देखेंगे आपके जो रीढ़ की हड्डी है वो सेगमेंट के फॉर्म में दिखेगी, गाय भैंस बकरी इनमें देखो सेगमेंट, हायर एनिमल में सेगमेंट पे दिखेगी। लेकिन कुछ लोअर्स एनिमल्स थे, जब हमने स्टार्टिंग की कॉर्डेटा की, जब कॉर्डेटा को स्टार्ट किया गया तो जब छोटे से छोटे लोअर एनिमल्स में देखा गया तो कुछ लोअर एनिमल्स ऐसे थे जिनमें ऐसी स्ट्रक्चर तो मिली लेकिन वो सेगमेंटेड नहीं थी। ठीक है, द स्ट्रक्चर आर नॉट ए सेगमेंटेड, तो कैसी थी, जस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट ट्यूब लाइक, होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कंप्लीटली होल थी अंदर से खाली, जस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी। इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हमने, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हमने उस एनिमल को कॉर्डेट के अंदर रख लिया, जिसे वर्टिब्रेट के अंदर रखा, कॉर्डेट बोल दो या फिर वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट वर्टिब्रा से आया डिसाइड, कॉर्डेट जो है वो आपके कॉर्ड, जो आपकी नोटोकॉर्ड है उससे रिलेटेड है। अब नर्व कॉर्ड क्या होती है, ये जितने भी आपके कॉर्डेट में या वर्टिब्रेट में जो भी एनिमल्स आते हैं, लोअर एनिमल्स, हायर में तो आपको वर्टिब्रेट मिलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी, वर्टिब्रा प्रेजेंट होगी, लेकिन जब लोअर एनिमल्स की बात करते हैं कॉर्डेट में, लोअर एनिमल्स में कॉर्डेट की बात करते हैं, तो उनकी लाइफ में, उनके बॉडी में डॉर्सल साइड पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हमने नोटोकॉर्ड कहा। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि एपिडर्मिस से रिलेटेड होते हैं, एपिडर्मिस की इन्वेजिनेशन से बनती है, एक छोटी स्ट्रक्चर नज़र आती है पतली सी, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, नर्व कॉर्ड, यानी नर्व कॉर्ड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंस होता है, नॉट हैव ए हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, बट नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट, यानी सेंसरी ऑर्गन जो होती है, नर्व सेल्स जो प्रेजेंट होती है, और ये इसकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड ही डिसाइड करती है कि ये एनिमल्स कैसा है, वर्टिब्राट के, वर्टिब्रा या फिर नोटोकॉर्ड या फिर कॉर्डेटा के अंदर इंक्लूड किया गया है। क्लियर है, आगे अपन हम देखते हैं, ये तो हमें पता चल गया नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के बेसिस पे, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड के बेसिस पे हमने उन एनिमल्स को किस में रखा, हमने कॉर्डेट पे, वर्टिब्रेट या फिर कॉर्डेटा में। अब कॉर्डेटा में हमने इन एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया, तो हम ये देखते हैं कि क्या सभी, एवरी एनिमल्स हैव ए नोटोकॉर्ड इन ऑल बॉडी, यानी आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है, तो कुछ एनिमल्स में कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट होती है, कंप्लीट बॉडी, यानी हेड रीजन से, हेड रीजन टू टेल रीजन, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिसमें ये वर्टिब्रल कॉलम है या नोटोकॉर्ड है, हेड रीजन टू टेल रीजन प्रेजेंट होगी। सेकंड, कुछ ऐसे एनिमल है जिनके ओनली टेल रीजन पे, ओनली टेल रीजन पे, ठीक है, प्रेजेंट होगी। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसकी लाइफ में लार्वा स्टेज में, लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, यानी एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी, एडल्ट स्टेज नोटोकॉर्ड आर एब्सेंट या नर्व कॉर्ड आर एब्सेंट, बट लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट, ठीक है। कंप्लीट बॉडी पे हेड टू टेल रीजन में, सम एनिमल हैव ए ओनली टेल, सम एनिमल हैव ए स्टेज इन लार्वा स्टेज, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो देखिए एक बार इसको, देखा, रब कर दूं इसको,
देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से समझाया गया है कि एक नोटोकॉर्ड के एनिमल में, स्टार्टिंग एनिमल में, कॉर्डेट एनिमल के स्टार्टिंग एनिमल्स में कौन कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, विच एनिमल हैव ए बेसिक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन बॉडी। आप इसमें देखेंगे नोटोकॉर्ड या ये वाला स्ट्रक्चर है, ये नोटोकॉर्ड वाला प्रेजेंट है क्योंकि कम्प्लीटली होल बॉडी पे प्रेजेंट है। हेड रीजन, ये मान लो हेड रीजन है और ये टेल रीजन है, ठीक है, हेड रीजन टू टेल रीजन आर प्रेजेंट। नर्व कॉर्ड जिसकी मैंने बात की, जो कि किससे रिलेटेड होता है, नर्वस सिस्टम से, किससे, नर्वस सिस्टम, ठीक है। जब ब्रेन का स्ट्रक्चर आ गया है, जब ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। और ये किससे बनती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर हैं ये नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और ब्रेन, जो नर्व कॉर्ड है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जो कि आपका गिल स्लेट वाला स्ट्रक्चर है, क्या है, गिल स्लेट। अब ये गिल स्लेट क्या होते हैं, गिल स्लेट क्या होते हैं, देखिए कंप्लीट लाइफ में अपनी, कंप्लीट लाइफ में, अपनी होल लाइफ में, अपनी कंप्लीटली होल लाइफ में ऐसा माना जाता है, यानी कंप्लीटली होल लाइफ में ये स्ट्रक्चर कभी ना कभी अपनी बॉडी में अपीयर होती है, स्टार्टिंग टू ऐसा माना जाता है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं, या सुना भी होगा आप लोगों ने, कि जितने भी एनिमल्स हैं, एवरी एनिमल्स आर ओरिजिन फ्रॉम ए ओशियन, ओके, एवरी एनिमल्स आर ओरिजिन ऑफ ओशियन, यानी जितने भी एनिमल्स हैं आपकी संसार में देखते हैं, सभी का ओरिजिन और एक्वाटिक एनिमल से माना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जब कॉर्डेट्स की, नॉर्मली अगर कॉर्डेट की बात मानी जाए तो कॉर्डेट भी एक एक्वाटिक एनिमल से होते हुए टेरिस्ट्रियल एनिमल से कन्वर्ट हुआ है। इस चीज़ को हमने जाना, ऐसी कौन से हमें ऑर्गन मिले जिससे हमने ये पता लगाया कि हाँ रियल में ये ओरिजिन एक्वाटिक है, तो हमने गिल स्लेट प्रेजेंट हुए देखे हमने, यानी जितने वर्टिब्रेट थे स्टार्टिंग के आपके, जो आपके प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, उन प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स एनिमल में, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स एनिमल्स में देखा कि में गिल स्लेट्स प्रेजेंट थे, जो कि गिल्स की, गिल्स आप जानते हैं जैसे लंग्स होता है, उसी तरह से एक्वाटिक एनिमल फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेस्पायरेशन का वर्क करते हैं, ठीक है, रेगुलरली या रेस्पायरेशन करते रहते हैं। तो ये गिल्स स्लेट यानी गिल्स जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कम्प्लीटली गिल्स नहीं होते हैं, जबकि ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। होल लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसी स्टेज आती है जब गिल स्लेट प्रेजेंट दिखाई देते हैं, वो बात अलग है कि बाद में डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन लाइफ में एक ना एक बार गिल स्लेट प्रेजेंट होते हैं, जो कि कॉर्डेटा की निशानी है। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये जो नर्व कॉर्ड होती है ये एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस किसकी, एपिडर्मिस एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो में एपिडर्मिस के इनवेजिनेशन इनवेजिनेशन के थ्रू बनती है, यानी जो भी स्किन है उस तरीके से अंदर जाएगी, अंदर जाके एक होल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, और जो आपकी नोटोकॉर्ड भी इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली जो आपकी नर्वस सिस्टम की नर्व कॉर्ड है, इनवेजिनेशन अपर एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस की इनवेजिनेशन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक धागे लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो धागे लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे नर्व कॉर्ड कहा जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है। और गिल स्लेट प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, तो एक बार देखिए आप,
देखा, इन्वेजिनेशन के थ्रू इसको फेरिंजियल गिल स्लाइट भी कहा जाता है, फेरिंजियल गिल स्लाइट्स, ठीक है, फेरिंजियल गिल स्लाइट्स आर अपीयर इन होल लाइफ। तो ये थ्री करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर्स हैं, तीन थ्री करेक्टर्स आर मेनली प्रेजेंट इन नोटोकॉर्ड कॉर्डेट एनिमल्स, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लाइट, फेरिंजियल गिल स्लाइट्स, ये तीनों ही करेक्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो बात अलग है, नोटोकॉर्ड हायर एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्राम में कन्वर्ट हो जाती है, गिल स्लेट गिल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और नर्व कॉर्ड आपके नर्वस सिस्टम में ब्रेन और आपके जो है जो भी पूरा कम्प्लीटली नर्वस सिस्टम है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो रब कर दें इसको, ओके। अपने एक स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर हमने देखा कि किस तरीके से अपने कॉर्डेट एनिमल्स को डिस्क्राइब किया एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के थ्रू कॉर्डेट को, जिसको अपने वर्टिब्रेट भी कहा, वर्टिब्रेट इसलिए कहा क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम होती है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, अपारा अपना जो ये पूरा एरिया होता है रीढ़ की हड्डी से आपके बैकबोन से लेके पूरा ये कवर करता है, यह आपका वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है, जिस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर थॉरेक्स रीजन वाले के पीछे का जो पोर्शन होता है ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, और जो आपके फ्रेगमेंटेड होते हैं जो ब्रांचेस फ्रेगमेंट फॉर्म में आपकी जो बैकबोन होती है वो वर्टिब्रा कहलाती है, ठीक है। पीछे का आपका डॉर्सल पोर्शन होता है पीछे वाला, ठीक है, और आपका ये सामने वाला वेंट्रल पोर्शन होता है, क्लियर है। तो कॉर्डेट को अपन क्लासिफाइड करते हैं, देखिए जब कॉर्डेट को अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो स्टार्टिंग की जो प्रिमिटिव कॉर्डेट एनिमल्स हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स हैं वो आपको हमेशा एक्वाटिक होंगे, कैसे होंगे, एक्वाटिक होंगे। जैसे जैसे उनके अंदर डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्वाटिक से ये टेरिस्ट्रियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, पहले एक्वाटिक होंगे, एक्वाटिक और टेरिस्ट्रियल दोनों हो जाएंगे, फिर ये लास्ट में कम्प्लीटली टेरिस्ट्रियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर एवीज में कन्वर्ट हो जाते हैं एवी, और फिर उसके बाद टेरिस्ट्रियल में, इस तरीके से डिसाइड करते हैं। कॉर्डेट की बात करते हैं, इसको डिस्क्राइब किया गया, इसको अपन बात करते हैं। देखिए अपने क्रेनियल नर्व होती है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है, इस क्रेनियल नर्व के अकॉर्डिंग क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा, क्रेनिएटा या फिर एक्रेनिएटा, ये कहते हैं, ठीक है, क्रेनिएटा या एक्रेनिएटा, या फिर इसको क्या कहते हैं, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा इसको कहा जाता है, इसके साथ इसको और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेनिएटा क्रेनियल नर्व के अकॉर्डिंग, एक्रेनिएटा क्रेनियल नर्व के एब्सेंट, यूकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा, देखिए प्रोटोकॉर्डेटा यूकॉर्डेटा में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या डिफरेंशिएशन है, कॉर्डेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा में क्या डिफरेंशिएशन है, ये आपके प्रिमिटिव टाइप के एनिमल होंगे, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, कंप्लीटली होल लाइफ तक प्रेजेंट रह सकती है, लार्वा स्टेज में प्रेजेंट रह सकती है,
या फिर हो सकता है कब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, गिल स्लेट प्रेजेंट ना हो, गिल स्लेट प्लेट प्रेजेंट हो, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ना हो, यानी तीनों में से कंप्लीटली तीनों प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। या तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, या फिर गिल स्लेट प्लेट प्रेजेंट होगी, या फिर नर्व कॉर्ड, या नहीं कि तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट हो, ठीक है। बट यू कॉर्ड डेटा में कंप्लीटली गिल स्लेट भी प्रेजेंट होंगे, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होगी, और फेरिंजियल गिल स्लेट भी प्रेजेंट होंगे, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, ठीक है। तीनों प्रेजेंट है इसमें, इसलिए यू कॉर्ड डेटा है। इनों में एक ना एक चीज़ की कमी होगी, इसलिए प्रिमिटिव टाइप के हैं। ये तीनों एक्वाटिक होंगे, ये आपके एक्वाटिक प्लस टेरिस्ट्रियल दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जब प्रोटोकॉर्ड डेटा की बात की तो हमने इसको थ्री टाइप से डिवाइड किया। किस तरीके से? हेमिकॉर्ड डेटा, यूरोकॉर्ड डेटा, सिफेलोकॉर्ड डेटा। हेमिकॉर्ड डेटा, यूरोकॉर्ड डेटा एंड सिफेलोकॉर्ड डेटा, इस तरीके से अपन इसको थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं। देखिए, देखा, हेमिकॉर्ड डेटा, यूरोकॉर्ड डेटा, सिफेलोकॉर्ड डेटा। जब यूकॉर्ड डेटा की बात आती है, क्रेनिएटिया की बात आती है, तो ये भी डिवाइड होते हैं टू टाइप से, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा भी, ऑस्टिकोडर्माई एंड प्लेकोडर्माई, ये आपका क्या है? फाइलम है। ठीक है, उतारिए इसको। इसको फिर फाइलम को सब फाइलम में डिवाइड किया गया। सब फाइलम को फिर ग्रुप में, ठीक है, ऑस्टिकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्टिकोडर्माई कैसी थी? ऑस्टिकोडर्माई जो फिश, इसमें फिशेज आती हैं सारी, और जो कैसी थी? जॉलेस थी, यानी इन एनिमल्स में क्या थे? जबड़े प्रेजेंट नहीं थे। और ये कैसी हैं? एक्सटेंट हो गई हैं, एक्सटेंट। जबकि साइक्लोस्टोमेटा विथ जो, ठीक है, इनमें जबड़े प्रेजेंट थे, इनमें जबड़े प्रेजेंट नहीं थे। देखिए, देखा, कॉर्ड डेटा को अपन क्लासिफाइड कर रहे हैं। फाइलम आपके क्रेनिएटिया, क्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, प्रोटोकॉर्ड डेटा, यू कॉर्ड डेटा में डिवाइड किया गया। प्रोटोकॉर्ड डेटा डिवाइडेड इनटू थ्री सेव आपके सब फाइलम। हेमिकॉर्ड डेटा, यूरोकॉर्ड डेटा एंड सिफेलोकॉर्ड डेटा, ये तीनों ही आपके एक्वाटिक एनिमल हैं और इनकम्प्लीट कॉर्डेट्स हैं। कम्प्लीटली कॉर्डेट्स नहीं हैं, इनकम्प्लीट कॉर्डेट्स हैं। इनके अपन एग्जांपल देखेंगे। बेलिनोग्लोसस हैं आपके हेमिकॉर्डेटा में भी अलग है, आपके सिफेलोकॉर्डेटा में भी अलग है। इसकी बात करेंगे तो एग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा,
ठीक है, ग्नेथोस्टोमेटा की बात करेंगे। एग्नेथा के अंदर फिशेज मैक्सिमम आपकी फिशेज यूज ली जाती हैं, फिशेज इंक्लूड की जाती हैं। फिश आपकी प्रिमिटिव फिश भी होंगी और अभी जो फिश हैं वो भी होंगी। तो ऑस्टियोडर्माई में आपके जॉलेस फिश मिलती हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं अब आपके अपने वर्ल्ड में या फिर मरीन वाटर में एब्सेंट है। बट साइक्लोस्टोमेटा हैव ए विद जो एंड दिस फिशेज आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट टाइम। बट ग्नेथोस्टोमेटा डिवाइडेड इन टू ए टू टाइप। ग्नेथोस्टोमेटा आर क्लासिफाइड ग्नेथोस्टोमेटा क्लासिफाइड टेट्रापोडा हैव ए फोर लेग्स फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। ठीक है, आगे के पैर और पीछे के पैर, इस तरीके से चार पैर रखते हैं टेट्रापोडा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इनके अंदर टेट्रापोडा में आपके टू टाइप से डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके पीसीज आएंगी आपके पीसीज आएंगी और इसके साथ आपके कुछ एनिमल भी आपके ऐड किए जाएंगे। लिखिए, देखिए एक बार। ग्नेथोस्टोमेटा डिवाइड इन टू टाइप। टेट्रापोडा और पीसीज। ठीक है, पीसीज के अंदर आपकी फिश इंक्लूड होंगी। कौन कौन सी फिश होंगी बताइए आप। देखिए, किस चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं अपन। कॉर्डेटा की, कॉर्डेटा डिवाइडेड टू टाइप। प्रोटोकॉर्डेटा डिवाइडेड थ्री टाइप, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। फाइलम एक्रेनिएटा, यूकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा आर डिवाइडेड टू सब फाइलम। एग्नेथा एग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा में ऑस्टियोकोडर्माई इन साइक्लोस्टोमेटा। इसमें जो रही, इसमें जबड़ा मिलेगा, इसमें जबड़ा एबसेंट होता है या एक्सटेंट हो चुकी है। ग्नेथोस्टोमेटा डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप, टेट्रापोडा एंड पीसीज। टेट्रापोडा डिवाइडेड इन फोर टाइप। कौन कौन से आपके टेट्रापोडा में कौन कौन से आएंगे। एम्फीबिया, एवीस और मेमल्स, और क्या आएंगी बताइए आप। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीस, मेमल्स, ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीस एंड मेमल्स। उतार लीजिए इसको आप, पाँच मिनट का, दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
देखा आपने कॉर्डेट, कॉर्डेट आर डिवाइडेड टू टाइप, क्रेनिएटा या नॉन क्रेनिएटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेट डिवाइडेड इनटू थ्री, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफोलो, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफोलोकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा ऑस्टिकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोमेटा विद जो एंड विदाउट जो एंड विद जो एक्सटेंड स्पीसीज, ये भी एक्सटेंड होगी। ग्नेथोस्टोमेटा ग्रुप टेट्रापोडा एंड पिसीज, पिसीज में जितनी भी ये सारी फिश हैं इसमें एक्सटेंड भी हैं और प्रेजेंस टाइम में भी जो फिश हैं वो भी हैं। एंड टेट्रापोडा फोर पैर है, फोर लिम आगे, दो लिम आगे, फोर लिम और हिंड लिम के अकॉर्डिंग फोर लेग्स वाले जो एनिमल्स हैं वो सारे टेट्रापोडा में आएंगे, जिसमें एम्फीबिया, सबसे पहले एम्फीबिया आया, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर एबीज आए, फिर मेमल्स। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्लासिफाइड किया है। क्लियर है, रब कर दूँ? देखिए, वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा के डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं, दो पाँच मिनट के लिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि होल लाइफ में, अपनी कंप्लीट लाइफ में अपन जो भी एनिमल्स देखते हैं वो या तो दो तरीके से होंगे, कॉर्डेट्स होंगे या फिर नॉन कॉर्डेट्स होंगे। जब हमने कॉर्डेट्स की बात की, कॉर्डेट्स को अपन वर्टिब्रेट भी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से अपन वर्टिब्रेट कहते हैं, नोटोकॉर्ड की वजह से उसको कॉर्डेट यूज़ किया जाता है। क्लियर है, जब हमने इसको क्लासिफाइड किया कॉर्डेट्स एनिमल को, तो कॉर्डेट्स में आपके एक्वाटिक एनिमल, टेरिस्ट्रियल एनिमल, बोथ एनिमल्स आर इंक्लूड। जब हमने इसकी करेक्टर्स का देखा, कौन से करेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया गया, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग करेक्टर में देखा, दे हैव ए नोटोकॉर्ड आर, दे हैव ए नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरिंजियल गिल स्लेट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने कॉर्डेटा को डिवाइडेशन किया, ग्रुप, फाइलम, सब फाइलम, ग्रुप, क्लास एंड ये कंप्लीट जो लास्ट में थी आपकी क्लास थी, तो क्लास के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाइड किया। सबसे पहले हमने देखा कॉर्डेट, कॉर्डेट को अपन ने डिवाइड किया किसमें, दो टाइप से, क्रेनिएटा एंड और एक एक्रेनिएटा। ये क्रेनिएटा इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है, ब्रेन से रिलेटेड है क्रेनियल नर्व। ठीक है, और कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड के प्रेजेंट के अकॉर्डिंग देखा, तो कॉर्डेट आपके, अदरवाइज अपन ने दूसरा नाम ये दिया प्रोटोकॉर्डेटा, जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं आपके कॉर्डेट्स में वो आपके प्रोटोकॉर्डेटा, एंड यू कॉर्डेटा जो कम्प्लीटली कॉर्डेट्स एनिमल हैं वो आपके प्रोटो यू कॉर्डेटा में इंक्लूड किया गया। यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में अपने डिवाइड किया, उसके एग्जाम्पल अपन आगे पढ़ेंगे कौन कौन से किस किस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अभी जनरली अपन ने क्लासीफाइड किया है, हल्का, कम्प्लीटली क्लासीफाइड नहीं किया है ना, उसको आगे से अपन उसके एग्जाम्पल नहीं बताए ना। इसी तरीके से प्रोटो यूरोकॉर्डेटा में अपन ने देखा, तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, एग्नेथा, एग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में अपन ने टू टाइप से आपके ऑस्टिकोडर्माई, उस तरीके से अपन ने एग्नेथा, एग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा को अपन ने टू टाइप से डिवाइड किया, जिसमें आपके जो वाले थे और विदाउट जो वाले थे। ठीक है, उसके साथ ही अपन ने जब अपने एग्नेथोस्टोमेटा को अपन डिवाइड किया टेट्रापोडा में, टेट्रापोडा में अपन ने
आपके सबसे पहले एम्फीबिया, पिसीज, रेप्टिलिया एंड वो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पिसीज एंड मेमल्स को इंक्लूड किया गया। तो इस तरीके से हमने इसको इंक्लूड किया। अब डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं कि और क्या डिफ्रेंशिएशन है दोनों में, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। चलो कॉर्डेट की अपन ने बात कर ली, नोटोकॉर्ड, और ये तो इसके अंदर एक करेक्टर है जो कि नोटोकॉर्ड में वो आपके इनवर्टिब्रेट में एबसेंट है। ये थ्री करेक्टर्स तो है ना, तो उनको तो अपन को देखना ही है। इसके अलावा अपन के पास कौन कौन से करेक्टर डिफ्रेंशिएशन, तो देखिए फर्स्ट करेक्टर की कोऑर्डिनेट्स की बात करें और इधर अपन नॉन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ब्लड की अपन देखें, पहले तो नोटोकॉर्ड नॉर्मली तीनों की बात कर लेते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और एब्सेंट, नर्व कॉर्ड, यहाँ पे अपन कंप्लीटली नर्वस सिस्टम की बात करेंगे है ना। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है। थर्ड गिल्स, प्रेजेंट एंड एब्सेंट, ठीक है। फोर्थ नंबर का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, आपके कॉर्डेट्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है यानी इन वेन, वेन में सर्कुलेट होता है और इसमें कैसा होता है ओपन, यानी ऑर्गन ब्लड में पड़े रहते हैं। इसमें आपके हीमोग्लोबिन मिलेगा आपको आरबीसी, बट इसमें हीमोसाइन है, ठीक है। सिक्स नंबर का अपन देखें तो अपना वेंट्रल साइड में हार्ट होता है, और इसमें डॉर्सल। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेटर अपने आगे से पीछे होता है और इनका पीछे से आगे की ओर ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। और क्या क्या करेक्टर्स हैं इसमें बताइए, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं देखिए। इसमें ब्रेन प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट, इसमें आपके एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और वो भी लिविंग, और इसमें एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इसमें एंडोस्केलेटन और जो आपका कैसा होता है नॉन लिविंग, जैसा कि आपने हर्मिट क्रैब में देखा होगा, मोलस्का के एनिमल्स में देखा होगा कि एक्सोस्केलेटन बाहर रहता है, उनका स्केलेटन कैसा होता है बाहर, अंदर कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। जबकि अपन ह्यूमंस में देखते हैं कि अंदर अपने बोन्स प्रेजेंट होती है और टाइम टू टाइम जैसे जैसे छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, जैसे जैसे बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग से बोन्स के में भी क्या होता है डेवलपमेंट होता है, छोटे से बड़े होती है, ठीक है। ब्रो एरिया में भी चेंजेस होते हैं, उसके लेंथ में भी चेंज होता है। तो ये चेंजेस इसके लिविंग थिंग को बताती हैं, ठीक है। और एंडो मतलब अंदर होती है अपने स्केलेटन, ये नॉन लिविंग होती है। ऐसा नहीं है कि मोलस्का की जो बाहर के स्केलेटन है वो छोटा सा है तो बड़ा हो जाएगा एक दिन, ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक्सो स्केलेटन होती है, बाहर की तरफ रहती है, इनके ब्रेन प्रेजेंट होता है, इनमें ब्रेन एब्सेंट होता है। वर्टिब्रल साइड में होता है हार्ट, इसमें डॉर्सल साइड में होता है,
ठीक है। हीमोग्लोबिन आरबीसी प्रेजेंट होती है, जबकि हीमोसाइनिन होता है, कलरलेस इसमें ब्लड होता है, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम की बात करें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, वैस्कुलर सिस्टम वो कैसा कैसा होता है, क्लोज टाइप एंड इसमें ओपन टाइप का होता है, यानी विसरल ऑर्गन होते हैं, वो एक लिक्विड में पड़े रहते हैं, जबकि इसमें वेन के थ्रू CO2 और O2 एंड न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस तरीके से ही तो होता है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और इधर ऑर्गन है मान लो, यहाँ से इस तरीके से एक्सचेंज होता है, जबकि इसमें एक ट्यूब लाइक, इसमें मान लो ये एनिमल है और इसी में ही ऑर्गन पड़े रहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ब्लड से, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है। कॉर्डेट्स में नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, कैसा होता है, वेल डेवलप बट नर्वस सिस्टम नॉट हैवी नर्वस सिस्टम है ना, एबसेंट होता है, और होता भी तो छोटा सा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, जबकि इसमें एबसेंट है, ठीक है। वर्टिब्रा भी कह सकते हैं, वर्टिब्रा भी प्रेजेंट, इसमें एबसेंट। कॉर्डेट्स के अंदर, नॉन कॉर्डेट्स में अपन ने कुछ डिफरेंशिएशन की बात की, तो ये तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंशिएशन हो गई, कि इन तीनों के अलावा और भी डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है। बहुत लोअर एनिमल्स ही हैं, छोटे एनिमल्स हैं ये, हायर इस लोअर से हायर की ओर जाते हैं, और मैक्सिमम हायर एनिमल्स इसमें ज़्यादा मिलते हैं और इसमें लोअर एनिमल्स कम मिलते हैं। देख लीजिए एक बार, रब कर दो इसको, देख लिया। अब बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा, जो आपके प्रोटोकॉर्डेटा डिवाइड थे, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, उसमें से अपन ने हेमिकॉर्डेटा को उठाया है। हेमिकॉर्डेटा कैसे हैं, प्रिमिटिव टाइप के एनिमल हैं, दे हेमिकॉर्डेटा आ रहे प्रीमिटिव टाइप एनिमल, क्लियर। सेकंड थिंग, प्रीमिटिव टाइप एनिमल है, छोटे एनिमल है, ठीक है। सेकंड एक्वाटिक एनिमल है, कैसे हैं, एक्वाटिक एनिमल, ठीक है, कैसे हैं, एक्वाटिक एनिमल है। प्रिमिटिव टाइप एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, एट्रियम आर डिवाइडेड इन थ्री चैम्बर,
ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर सिंपल, सिंपल, क्लियर है। मेन इंपॉर्टेंट, फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट बट ओनली माउथ रीजन, कौन से? ओनली माउथ रीजन पे नोटोकॉर्ड, थोड़ी सी नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट होती है, कंप्लीटली होल बॉडी पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल है, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप का एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल, एट्रिमा डिवाइडेड इनटू ए थ्री चैम्बर्स, देखिए आप इसको, इसके अलावा प्रोबायोसिस, ट्रंक, कॉलर और ट्रंक, इसकी बॉडी प्रोबायोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइडेड रहती है ना, बॉडी डिवाइडेड, ठीक है। गिल स्लेट प्रेजेंट, फेरिंजियल, प्रेजेंट, ठीक है। और कुछ रह गया क्या? इस तरीके के इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, क्या है ये कैरेक्टर्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? देखो एक बार, देखा हेमिकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स कर रहे हैं हम, जो कि एक प्रोटोकॉर्डेटा डिवाइडेड है, हेमिकॉर्डेट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एट्रियम और डिवाइडेड इनटू थ्री चैम्बर, कोलोन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंपल, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट बट ओनली माउथ रीजन, प्रोबायोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड, बॉडी आर डिवाइडेड इनटू प्रोबायोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, स्केलेटन टिश्यू आर एब्सेंट इन टेल रीजन, एट नंबर, स्केलेटन टिश्यू आर एब्सेंट इन टेल रीजन, क्लियर है। स्केलेटन टिश्यू आर एब्सेंट इन टेल रीजन, इस तरीके से हमने इसको देखा हेमिकॉर्डेटा को। तो आज हमने डिस्कस किया कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा के करेक्टर्स बताए, कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है कॉर्डेटा को, ये बताया, हेमिकॉर्डेटा को डिवाइडेड किया, हेमिकॉर्डेटा के करेक्टर्स को डिस्कस किया। तो इस तरीके से अपन ने प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल है, ब्लड सर्कुलेटरी सिंपल टाइप का होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बट ओनली माउथ रीजन, प्रोबायोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइडेड इन बॉडी, फेरिंजियल गिल स्लेट आर प्रेजेंट, स्केलेटन टिश्यू एब्सेंट इन टेल रीजन, टेल रीजन में स्केलेटन टिश्यू आर एब्सेंट होते हैं। तो इस तरीके से आज अपन ने नॉर्मल डिस्कस किया, कल से अपन
इसको आगे एक्सप्लेन एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अपन आगे डिस्कस करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही, कल से अपन इसको और डीपली स्टडी करेंगे। कल यूरो कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा को और प्लस इसका एग्जाम्पल हेमी कॉर्डेटा के स्ट्रक्चर के थ्रू अपन इसको समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको पढ़ें समझें, ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।